तो दोस्तों आज हम यहाँ पे अभी रोड के लिए ड्रेन का एक्सकवेशन करवा रहे हैं, जहाँ पे 260 mm विड्थ का रोड बनने का है। और ये जो हमने मार्किंग करी है 660 का रोड है, इसलिए दिख रहा है इसके टॉप से ड्रेन का जो लेवल रहेगा रोड के टॉप से वो 625 mm का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, रोड की पूरी 80 मीटर की लेंथ है, 80 मीटर का एक पार्ट से रोड का, दूसरा पार्ट उधर बनेगा जो कि 40 मीटर का है। जैसे भी स्टार्ट हो चुके हैं ड्रेन के लिए, और इसमें सबसे पहले हम ऑटो लेवल से लेवल चेक कर रहे हैं इसका, जो कि रोड का हमारा ऑटो लेवल मशीन पूरा सेट कर दिया है मैंने पहले ही। और दोस्तों जैसे कि रोड का दिया है हमें 625, रोड के टॉप से इस ड्रेन के मतलब बॉटम रहेगा और 625 डाउन रहेगा, तो हमें जो भी रीडिंग मिल रही है जहाँ से मैंने पहला सरिया दिखाया था आपको गड़ा हुआ वो मार्किंग थी, जो कि रोड का जो भी टॉप लेयर है वहाँ से उसमें प्लस करते हैं हम, जितना भी इसका ट्रेंच में जो भी मीटर का स्टाफ रखा हुआ है इसका रीडिंग जितना भी आता है, मान के चलो मेरा रीडिंग यहाँ पे क्रॉस एयर आया है तो मेरा रीडिंग हो जाएगा 1525 mm। तो मुझे 1525 mm में 1525 में वो जो 625 का टॉप बॉटम है ड्रेन का उसको मैं प्लस करूँगा, जितना भी रीडिंग आता जाएगा उसे मुझे डाउन करना है। 1:350 का इसका स्लोप है, जो कि इधर से 1 है और उधर 350 का स्लोप देना है इसमें। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों।